नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक सिंह एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल जिसका नाम है PCS मंत्रा बाई डॉक्टर विवेक। तो आज हम अपनी आधुनिक भारतीय इतिहास की कक्षा आगे बढ़ाएंगे जिससे 15 अगस्त तक ये पूरा ख़त्म हो सके, और इसमें मुख्यतः हम देखेंगे सहायक संधि और चूक का सिद्धांत। सबसे पहले हम थीम समझते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत आगमन से लेकर भारत की आज़ादी तक ब्रिटिश काल में किस तरह से इनकी नीतियाँ रहीं, कौन से अलग अलग फेज रहे, इनकी सोच कैसी थी। कभी कभी जो पहले का जो गवर्नर जनरल था उसी की नीति पर आगे वाला चलता था, या कभी कभी अपनी नीति खुद की बनाता था। तो कहीं कहीं नीतियों पर एक कंसिस्टेंसी है, एक निरंतरता है, और कहीं कहीं पर एकदम नई चीज़ें सामने आ जाती हैं। तो आप जानते हैं कि सबसे पहले एक कंपनी के रूप में आए थे व्यापार करने, व्यापार से काफ़ी मुनाफा हुआ और धीरे धीरे इनके साम्राज्य स्थापित करने की भारत के अंदर जो इच्छा थी वो प्रबल होती गई। तो शुरू में तो बंगाल के नवाब से या मुगलों से अनुरोध करके, विनय करके अपना काम चलाते थे, लेकिन धीरे धीरे जब उनकी जड़ें मजबूत हो गईं तो अब बराबरी के लिए संघर्ष करने लगे, समानता के लिए संघर्ष करने लगे। तो एक पहला फेज यही है, समानता हेतु संघर्ष। ये 25 साल तक चला, करीब 1740 से 1765 के बीच में। इसको हमने पहले ही देख लिया है। कैसे देख लिया है कि 1757 में प्लासी की लड़ाई, 1760 में वांडीवाज की लड़ाई जिसमें फ्रेंच को शक्ति को ख़त्म कर दिया एक तरह से, 1764 में बक्सर की लड़ाई और 1765 में इलाहाबाद की संधि। इन चीज़ों को करके एक तरह से समानता का अधिकार प्राप्त कर लिए, अब बराबर के रूप में थे। ठीक है, अब अपने आप को किसी से कम नहीं समझते थे। जो भी राज्य थे, राजे रजवाड़े थे, प्रिंसली स्टेट्स थे, उनसे ये किसी अब उनसे अपने आप को कम नहीं समझते थे। जब अब मजबूत हो गए तो अब उनको दबाने लगे। ठीक है, अब पहले तो अन्य विनय से चलते रहे, फिर मजबूत हुए तो फिर बराबरी पर आ गए, अब उनको दबाने लगे, उनको अपने कंट्रोल में करने का प्रयास करने लगे। तो इसी कंट्रोल में करने के प्रयास के तहत ये दूसरा फेज शुरू होता है, जिसको बोलते हैं बफर स्टेट पॉलिसी या घेरे की नीति, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति, इन्हीं सब में आता है। तो इस तरह से 1740 से 65 के बीच में बराबरी का संघर्ष खत्म करने के बाद अब बफर स्टेट की पॉलिसी शुरू होती है, घेरे की नीति शुरू होती है, या इसी को बोलते हैं सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति। इसी में डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स भी आता है डलहौजी का, और ये चलता है 1765 से पहले चार्टर्ड एक्ट 1813 तक। उसके बाद तीन और फेज हैं, सबॉर्डिनेट आइसोलेशन, सबॉर्डिनेट यूनियन और उसके बाद इक्वल फेडरेशन। ये सब आगे की चीज़ें हैं, आज हमारा फोकस रहेगा दूसरे पर, बफर स्टेट पॉलिसी या घेरे की नीति पर। अब देखते हैं बफर स्टेट पॉलिसी को डिटेल में, इसके अंदर समझते हैं सहायक संधि क्या था। देखिए, इसी बफर स्टेट में ही सहायक संधि और चूक का सिद्धांत ये सब हैं। ये सब पूरी तरह से अलग अलग नहीं हैं, थोड़ा सा एडवांसमेंट हैं अगले वाले में। जैसे कि सहायक संधि के बाद ही चूक का सिद्धांत डलहौजी ने लागू करवाया, और यही सब चीज़ों से मिलकर 1857 की क्रांति हुई। जो 1857 की क्रांति हुई उसकी चिंगारी तो जरूर वो चर्बी वाला कारतूस का अफवाह था, लेकिन इसका जो बैकग्राउंड बन रहा था वो लंबे समय से बन रहा था। लंबे समय से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक नीतियां अंग्रेजों की इस तरह से थीं कि जनता में काफ़ी अविश्वास, असंतोष फैल गया था, जो कि उसकी चर्बी वाले कारतूस ने उसमें एक छिनगारी का कार्य किया और विद्रोह हुआ 1857 का। तो पहले हम समझते हैं सहायक संधि, फिर हम समझेंगे चूक का सिद्धांत, और क्रांति को देखेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, तो ये जो तत्कालीन जो कारण थे सहायक संधि का या बफर स्टेट बनाने का, वो था नेपोलियन के आक्रमण का डर भारत के ऊपर। तो एक तरह से ये चाहते थे कि ब्रिटिश शासन और नेपोलियन या किसी भी बाहरी आक्रमणकर्ता के खिलाफ एक बीच में एक शॉक एब्जॉर्बर राज्य रहे, ताकि वो आक्रमण करे तो अब सीधे हम पे संकट ना आए। एक बीच में फ्रेंडली स्टेट रहे, एक मित्रवत राज्य रहे या हमारे अधीन कोई राज्य रहे, जो कि पहले उसे लड़कर उसे शक्ति को कमज़ोर कर दिया, उसको वहीं से भगा दे। ठीक है, तो नेपोलियन का डर हो चाहे मराठा और अफगान का डर हो, सभी के डर के फलस्वरूप ही ये नीति इनकी शुरू हुई बफर स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत। ठीक है, सहायक संधि में क्या होता था कि पहले ये अंग्रेज किसी राजा के पास जाते थे
और बेसिकली उसे बोलते थे कि तुम्हारा ये जो दूसरा राजा दुश्मन है उसी तरह से हमारा भी दुश्मन है, चलो हम लोग मिल जाते हैं, हम लोग मिलकर उसका मुकाबला करेंगे, ठीक है, तुम्हारी रियासत का दुश्मन हमारा भी दुश्मन है, ठीक है, और हमको कुछ पैसे दे दो ताकि हम कुछ सेना इंस्टॉल करें यहाँ पर तुम्हारी सहायता कर पाए। अगर पैसा नहीं दे पाता था तो बोलता था मुझे ज़मीन दो, ज़मीन का एक टुकड़ा दो जहाँ पे अपनी सेना को ट्रेनिंग देंगे, वहाँ पर सेना को रहने का बंदोबस्त करेंगे, ठीक है। तो पहले तो इस तरह से चलता था। बाद में अंग्रेज क्या बोलते हैं कि तुम्हारे यहाँ हमारा सेना रहेगा, ठीक है, हमारा सेना रहेगा तुम्हारी, अब तुम अपनी सेना का चिंता मत करो, तुम्हारी ये जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है विरोधी राज्यों से वो हम संभालेंगे, हमको पैसा दे दो, हमको ज़मीन दे दो, हम संभाल लेंगे, ठीक है, तुमको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से उस राज्य विशेष की जो नीति थी एकदम पंगु होती चली गई, क्योंकि रक्षा के मामले में, एक्सटर्नल अफेयर्स के मामले में एक तरह से वो पंगु हो गया, उनका कोई रोल ही नहीं रहा, सारा रोल ले लिया ब्रिटिश ने अपने हाथों में, ब्रिटिश जो उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी ही थी बेसिकली, ठीक है, जो भारत का जो साम्राज्य इंग्लैंड के साम्राज्य के अंडर आया वो तो 1858 में आया, वो तो 1857 की क्रांति के बाद ही आया, लेकिन ये सब जो फेज चल रहा है ये ईस्ट इंडिया कंपनी का ही बेसिकली, ठीक है, वही कंपनी जिसका आज लंदन में कोई नामो निशान तक नहीं है, लेकिन तब इसमें बहुत जलवे इनके हुआ करते थे, पहले तो व्यापारी थे, बाद में प्रशासनिक अधिकार और न्याय का अधिकार भी ये सब ले लिए। ये सब आप समझ जाएंगे जब आप देखेंगे मेरा लेक्चर जो मैंने भारतीय संविधान का ऐतिहासिक बैकग्राउंड के बारे में बताया था, उसको जरूर पढ़ लें आप, नहीं तो दिक्कत होगा आपको आगे समझने में। अच्छा, तो इस सहायक संधि में ये सब चीज़ें हुई, इसमें शर्तें इन्होंने ये लागू कर दिया कि किसी और पावर से संधि आप नहीं करेंगे, खासकर यूरोपियन पावर और उसमें भी खासकर फ्रेंच पावर। ये सब जो समय है वो समय कौन सा है जो जब अंग्रेजों का फ्रेंच के साथ, फ्रांस की शक्ति के साथ संघर्ष हो रहा था भारत में कंट्रोल स्थापित करने के लिए। तो ये शर्तें लागू हो गई कि केवल आप जो संधि कर रहे हैं सहायक संधि हमसे, इसमें केवल हमारी ही सेना रखेंगे आप, हमारे ही लोग रहेंगे, किसी और भी यूरोपीय शक्ति को आप नहीं रख सकते, ये शर्तें लागू कर दिया। इसमें दूसरा महत्वपूर्ण शर्त ये था कि एक ब्रिटिश अफसर, एक ब्रिटिश रेजिडेंट रहेगा जो आपके दरबार में रहा करेगा। इस रेजिडेंट का काफ़ी जलवे हुआ करते थे, कई कई राज्य तो रेजिडेंट का एकदम बाकायदा खातिर किया करते थे, उसके आने का इंतजार करते थे पूरा, उनके किसी किसी रेजिडेंट को, अफसर को घोड़ों का शौक हुआ करता था, तो वहाँ का राजा पूरा तरह तरह के घोड़े इकट्ठा करता था, उनकी हर शर्तें, हर खुशी पूर्ण की जाती थी, रेजिडेंट के काफ़ी प्रभाव रहा करता था। तो रेजिडेंट शुरू में तो सिंपली शर्तों में तो ये था कि एक सिंपली ऑफिसर रहेगा जो कि आपके यहाँ इंस्टॉल रहेगा, लेकिन धीरे धीरे रेजिडेंट राजा के तमाम आंतरिक मामलों, उनके प्राइवेट मामलों में दखल देने लगा, हालत यहाँ तक तो पहुँच गई कि उसके बिना एक तरह से समझ लीजिए कि पत्ता भी नहीं हिलता था, एक तरह से ब्रिटिश शासन का एक तरह से प्रतिनिधि बन गया वो, ठीक है, काफ़ी ताकतवर बन गया। तो ये दो शर्तें इसमें थी कि किसी और यूरोपीय पावर से संधि नहीं करेंगे और एक ब्रिटिश रेजिडेंट आपके दरबार में हमेशा बना रहेगा, ठीक है, उसके सारे रहने खाने तमाम चीज़ों का बंदोबस्त है, उसके सुख सुख सुविधा का वो आपको ही करना पड़ेगा। अच्छा, एक ये पर्पज हो गया कि किसी बाहरी आक्रमण के खिलाफ एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करे, एक बफर स्टेट की तरह काम करे, इसलिए सहायक संधि लागू हुई। इसके लेकिन और भी लक्ष्य हुआ करते थे, एक तीर से कई निशान अंग्रेज मारने में माहिर थे, इसका दूसरा लक्ष्य ये था कि मराठा शक्ति उसमें काफ़ी मजबूत थी। तीसरा जो पानीपत का युद्ध हुआ जिसमें तमाम मराठा, पुणे के पेशवा और बाकी इंदौर के, ग्वालियर के तमाम लोग मिल के लड़े अहमद शाह अम्तालिक के खिलाफ, और मराठा शक्ति एक तरह से छिन्न भिन्न हो गई थी इस लड़ाई के बाद, परंतु उस समय तक मराठा शक्ति काफ़ी मजबूत थी, इतनी मजबूत थी कि मुगल बादशाह को यही लोग इंस्टॉल करते थे, मुगल बादशाह एक तरह से इनके रहमो करम पर ही ठीक से शासन कर पाता था, तो मराठा काफ़ी मजबूत थे, उसकी एकता को तोड़ना जरूरी था, ठीक है। तो इसमें सहायक संधि में सबसे पहले मराठों के नाम पर पुणे के पेशवा ने सहायक संधि स्वीकार की। जब पुणे के पेशवा ने, देखिए मराठा का मतलब होता है कि शुरुआती जो शिवाजी ने शुरू किया था, शिवाजी महाराज ने जो चीज़ें शुरू की थी उन्हीं को वास्तविक मराठा मानते हैं। बाद में धीरे धीरे जो बाजीराव मस्तानी फिल्म में दिखाया है कि इसमें साहू जी महाराज हैं, साहू जी के महाराज के समय से जो
शिवाजी क्या थे, छत्रपति थे, साहू जी महाराज भी क्या हैं, छत्रपति हैं। तो अच्छा, साहू जी महाराज के समय से मराठा शक्ति अब छत्रपति या राजा के हाथों में न रहकर अब चली गई पेशवा के हाथ में, तो पेशवा ही सारा निर्णय किया करता था। तो यही पुणे का पेशवा ही असली मराठा है, लेकिन बाकी छोटे छोटे राज्य भी जैसे कि ग्वालियर का, इंदौर का, ये सब भी रहा करते थे, ठीक है। तो लेकिन यही मेन थे, तो जब मेन मराठा शक्ति ही सहायक संधि स्वीकार कर लिया तो बाकी मराठा नाराज हो गए, उनकी एकता एक तरह से खत्म हो गई और कमजोर हो गए। तो एक तो एक कमजोर हो गए तो वैसे भी आक्रमण नहीं करेंगे, क्या आक्रमण करें, कमजोर व्यक्ति किस पर क्या आक्रमण करेगा। तीसरे से एक तीर से दो निशाने इन्होंने मार दिया, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको बताया कि इसी सहायक संधि का एक्सटेंशन है चूक का सिद्धांत। सहायक संधि तो एक तरह से किसी दूसरे आक्रमणकर्ता के खिलाफ अपना बचाव है, लेकिन जैसा कि बताया ना कि शुरू में बराबरी के संघर्ष के बाद अब अपने आप को इम्पोज करने लगे भारत के ऊपर, जबरदस्ती बोलने लगे नहीं तुम मुझसे छोटे हो, मैं तुमसे बड़ा हूँ, तुम मेरे अंडर में रहो। इसी अंडर में रहो सिद्धांत के अनुसार डलहौजी का प्रवेश होता है। डलहौजी बहुत ही बड़ा साम्राज्यवादी व्यक्ति था, बहुत विस्तारवादी व्यक्ति था, ठीक है। तो डलहौजी ने लागू किया विलय का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। देखिए, भारतीय समाज में ये लंबे समय से रहा है कि अगर किसी राजा को अपना अपनी संतान नहीं होती है तो उसका वंश चलाने के लिए तमाम लोगों को दूसरे लोगों को गोद ले लिया जाता है। जैसे काशी नरेश थे, ठीक है, काशी नरेश ने गोद लिया था महाराज विभूति नारायण सिंहन, जो आपकी उनका देहांत हो गया काफ़ी सालों पहले, उन्होंने गोद लिया था। जो वर्तमान जो राजा हैं काशी के, वो गोद लिए हुए संतान है, ठीक है। तो ये तो भारतीय समाज में लंबे समय से चला आ रहा है, राज्य रजवाड़ों में खासकर। लेकिन डलहौजी ने क्या बोल दिया कि अगर आपकी वास्तविक संतान नहीं है, आपने गोद लिया है, तो आपके मृत्यु के बाद आपकी उस गोद ली हुई संतान को कोई भी पैटर्नल प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, पैटर्नल प्रॉपर्टी, पैटर्नल टाइटल नहीं मिलेगा, ठीक है। आपकी मृत्यु के बाद भी, बाद ही आपका जो राजसी ठाठ बाठ है, राजसीय महत्व है, एक तरह से खत्म हो जाएगा। तो इससे काफ़ी लोगों में नाराजगी फैली, ठीक है। इसी नाराजगी में झांसी का भी नाराजगी था, क्योंकि झांसी की रानी विधवा हो चुकी थी अपने पति गंगाधर राव, महाराजा गंगाधर राव की मृत्यु के बाद, और एक तरह से डलहौजी ने उसको, झांसी को हड़प कर लिया। और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से 1857 की क्रांति में झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, ठीक है। तो ये हो गया डलहौजी का विलय का सिद्धांत, चूप का सिद्धांत जिसको बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। और ये तब तक चलता रहा जब तक कि 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद की घोषणा के अनुसार, महारानी की घोषणा के अनुसार, ये नीति का त्याग नहीं कर दिया गया। 1 नवंबर 1858 से क्या हुआ कि राजे रजवाड़ों को हड़पने का, उनको अपने में मिला लेने का, उनको दबाने कुचलने का जो प्रयास था वो एक तरह से बंद हो गया, थोड़ा सा खुशी फैला, और ये आज़ादी तक चलता रहा, ठीक है, चलता रहा आगे तक भी। और तमाम राजाओं ने सहयोग भी करते रहे, तमाम राजे सहयोगी ही थे। एक तरह से आप ये समझिए कि जो ब्रिटिश काल का पूरा दौर था उसमें दो चीज़ें थीं। एक तरफ पूरे प्रिंसली स्टेट्स थे, 500 से ज़्यादा, 562 या 565 कुछ तो नंबर मुझे ये नहीं याद है, लेकिन 500 से ज़्यादा थे, बहुत थे, छोटे बड़े बहुत थे, कुछ बहुत बड़े बड़े थे, कुछ की संख्या तो वहाँ की जनसंख्या 100 से भी कम थी, ठीक है, 500 से ज़्यादा था। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि ब्रिटिश शासन में पूरी शासन के दौरान दो भाग था, पूरा भारत ब्रिटिश शासन के अंतर्गत नहीं था। एक ब्रिटिश शासन अलग हुआ करता था और पूरे रजवाड़ों का एक झुंड अलग रहा करता था, उन पे एक तरह से कंपनी या ब्रिटिश क्राउन का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं हुआ करता था, मोर अरलेस वो इंडिपेंडेंट थे, स्वतंत्र थे, ठीक है। तो ये स्वतंत्रता अच्छी तरह से तब लागू हो गई जब महारानी की उद्घोषणा हुई 1 नवंबर 1858 को, ये बात मैं आपको बताना चाह रहा था। तो पहले फेज में समानता के संघर्ष के बाद अब प्रभुत्व का भी एक तरह से फेज खत्म हो गया, अब बचा तीसरा, चौथा और पांचवा फेज। इसमें हम चक्कर में ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि एक तो पहले आगे के सिलेबस की चीज़ें हैं और दूसरा इसमें पीसीएस से ज़्यादा नहीं पूछता है। तो स्लाइड रख दिया हूँ, आप देख लीजिएगा समझने के लिए, इसको अभी छोड़ते हैं, बढ़ते हैं आगे, इसी सहायक संधि और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में आगे बढ़ते हैं।
तो हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया, अब सीधे आते हैं पीसीएस पॉइंट्स पर, मतलब ऐसे पॉइंट जो हमेशा पीसीएस एग्जाम में आते हैं। ठीक है, जब भी मेन मेन लेक्चर होता है, ऐसी ज़रूरतें होती हैं, तो मैं पॉइंट डाल देता हूँ, जहाँ पर मुझे कॉन्सेप्ट को फैक्ट से अलग करना होता है, ये चीज़ें डाल देता हूँ। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं वारन हास्टिंग्स के समय की घटनाएँ। तो ये हमेशा देखिए, इसमें आप कन्फ्यूज होते हैं, याद रख लीजिए कि बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल था वो वारन हास्टिंग, और भारत का पहला विलियम बेंटिक। तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वारन हास्टिंग के समय क्या हुआ, तो आपको बताया ना कि आप इसमें इस नीति में क्या हुआ कि सबसे पहले बफर स्टेट की संकल्पना थी, हैं, किसी दूसरे बाहरी आक्रमण से बचाव की। अब बाद में हड़पने की नीति शुरू हुई, पहले बफर और बाद में हड़पने की नीति, पहले सहायक संधि और बाद में हड़पने की नीति, या चूक का सिद्धांत। ठीक है, तो पहले सहायक वाला देख रहे हैं, वारन हेस्टिंग के समय का देख रहे हैं। तो वारन हेस्टिंग के और कौन कौन से रोल थे कि तो इसने बंगाल में द्वैध शासन, जो डुअल गवर्नमेंट था, उसको खत्म किया और एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना किया, एपीसीएस में आ चुका है। और इसने जन प्रशासन की नींव डाली और इसी के ऊपर महाभियोग चला इंग्लैंड के अंदर। ठीक है, अच्छा, ये जो सहायक संधि वेलेस्ली की थी, वेलेस्ली पहला यूरोपियन नहीं था इसको शुरू करने वाला, ये तो पहले से ही शुरू थी, वेलेस्ली ने उसको झाड़ पहुँच कर अच्छे से फिर से शुरू किया। सबसे पहले संभवतः डुपले ने शुरू किया था, संभवतः इसलिए बोल रहा हूँ कि पक्का नहीं है, किताबों में इसी तरह से लिखता है। डुपले वो सबसे पहला व्यक्ति था जो सबसे पहले किराए पर अपनी सेना देना स्वीकार किया था, पैसा लेकर जो स्थानीय राजा थे उनको अपना सेना देता था। तो डुपले पहला व्यक्ति था, वेलेस्ली पहला नहीं था। ठीक है, अच्छा, दूसरा कन्फ्यूजन आता है अवध के संबंध में, अवध के संबंध में आता है। तो जो पहली सहायक संधि देश के अंदर हुई वो अवध के साथ हुई 1765 में, लेकिन अवध के साथ होने वाली यह संधि, सहायक संधि, वेलेस्ली की पहली सहायक संधि नहीं थी। अवध का संबंध, जो अवध का जो 1765 में जो घटना हुआ था, उसका संबंध वेलेस्ली से नहीं था। तो ये एग्जाम में ध्यान देंगे आप कि वेलेस्ली की सहायक संधि में पहला पूछ रहा है कि देश के अंदर किसी के द्वारा भी किया गया पहला सहायक संधि पूछ रहा है, दोनों में अंतर है। यहाँ तक वेलेस्ली का सवाल है, उसका जो पहला सहायक संधि हुआ था वो हैदराबाद के निजाम के साथ हुआ था, लेकिन देश के अंदर अगर पहला पूछे तो अवध के साथ हुआ था। तो जैसा कि बताया कि वेलेस्ली की जो पॉलिसी थी वो उतनी आक्रामक नहीं थी जितनी कि डलहौजी की, जिसको अभी अगले स्लाइड में देखेंगे। तो वेलेस्ली ने केवल अपने ऊपर निर्भरता के लिए सहायक संधि को चालू करवाया था, और ये भी बता दिया कि वेलेस्ली की पहली सहायक संधि हैदराबाद के साथ हुई थी, कब, 1798 में, लेकिन देश के अंदर सबसे पहली अवध के साथ, कब, 1765 में। वो 1765 या 98, काफ़ी गैप है दोनों के बीच में, 33 साल का गैप है। ठीक है, तो एग्जाम में हमेशा आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अवध की बात चल रही, तो अवध के साथ दो चीज़ें हैं, एक तो अवध के साथ जो शुरुआती सहायक संधि हुई वो 1765 में, लेकिन अवध का विलय हुआ 1856 में, दोनों में अंतर है। एक सहायक संधि और एक पूरा हड़प लेना, उसको एनेक्स कर लेना ब्रिटिश एम्पायर में। तो सहायक संधि 1765 और उससे काफ़ी समय बाद, करीब 90 साल के बाद, एक तरह से 91 साल अगर देखें तो 91 साल के बाद उसका विलय होता है अवध का ब्रिटिश शासन के अंदर। अच्छा, और मराठा के साथ सहायक संधि जो हुई थी, एग्जाम में पूछ चुका है, तो उस समय किसके बीच में हुई थी, अंग्रेजों और किसके बीच में हुई थी, तो ये हुई थी पेशवा बाजीराव टू के बीच में। लेकिन अगर मराठा की बात चल रही तो इंदौर के होलकर ने सहायक संधि कभी स्वीकार नहीं की। ठीक है, बाकी लोगों ने स्वीकार किया, पेशवा ने स्वीकार किया और बाकी मराठों ने स्वीकार किया, लेकिन इंदौर के जो होलकर थे उन्होंने स्वीकार नहीं किया। तो हमने हास्टिंग का देख लिया, अब देखते हैं डलहौजी के बारे में। तो बताने के डलहौजी ज़्यादा साम्राज्यवादी था, विस्तारवादी व्यक्ति था। ठीक है, और इसने शुरू किया था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, चूक का सिद्धांत। अब इसमें इसने तमाम राज्यों को अपने राज्य में मिलाया था, ब्रिटिश शासन में मिलाया था। तो एक लाइन से देखते हैं, तो सबसे पहले इसने जो चूक के सिद्धांत के अंदर हड़पा, वो सतारा का शासन हड़पा, सतारा के राज्य को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया। कब, 1848 में,
1848 में अप्पा साहब की मृत्यु के बाद उनकी कोई ऑथेंटिक वारिस नहीं था, केवल गोद लिए हुई संतान थी। तो इसके आधार पर उसने बोला कि नहीं नहीं अब आगे नहीं चल सकता आपका, अब आप हो गए ब्रिटिश शासन का अंग, आपका अपना अलग से अस्तित्व तो नहीं रहा। सतारा 1848 में। तो ये पूछ देता है कि डलहौजी की चूक के सिद्धांत के तहत सबसे पहले किस राज्य को हड़पा था, किस राज्य को एनेक्स किया था। तो सतारा कब, 1848, दोनों चीज पूछ देता है, सन भी पूछ लेता है, नाम भी पूछ लेता है, बाकी नाम भी है लाइन से देख लीजिए। जैतपुर संबलपुर 1849 में, कहें कहीं 1850 दिया, लेकिन आप 1849 ही मानिए। भागत राज्य जो कि शिमला, आधुनिक शिमला के पास में है हिमाचल प्रदेश में, 1850 में। उदयपुर, झांसी, नागपुर का डेट पूछ देता था, झांसी 1853 में, नागपुर 1854 में। और सिंध का विलय या विजय किया गया था 1843 में। पढ़ते हैं कार्नवालिस और बेंटिक की तरफ। तो कार्नवालिस कोड 1787 में दिया था इन्होंने। कार्नवालिस के समय ही रजिस्ट्रार ऑफिस का गठन हुआ, सिविल सर्विस के जनक माने जाते हैं सी से कार्नवालिस, सी से सिविल सर्विस। इनका कब्र पूछ देता है कहाँ पर है, कहाँ इनको दफनाया गया था, तो गाजीपुर में, यूपी के गाजीपुर में इनको दफनाया गया था। बेंटिक के बारे में देखते हैं, तो बेंटिक ने इलाहाबाद में सदर दीवानी और सदर निजामत नामक दो अदालतों का निर्माण किया था, उनका चलन शुरू किया था। और बेंटिक ही पहला आदमी था जिसने कि इंडियन पब्लिक लॉ को कोडिफाइड किया था, एक नियम कानून बनाया था भारत के संबंध में, विलियम बेंटिक। और बेंटिक ने दो रियासतों का एक तरह से विलय किया, जो मुख्य मुख्य रियासतें हैं, एक मैसूर मिस रूल के आधार पर, वो मतलब इस आधार पर कि आप अच्छे से रूल नहीं कर पा रहे हैं, आप सक्षम नहीं हैं, अब हम करेंगे, अब तुम हमारे में शामिल हो जाओ। तो इस आधार पर मैसूर का विलय कर दिया, कब, 1831 में। और कुर्ग जो कि आधुनिक कुर्ग एक हिल स्टेशन है, एक पहाड़ी शहर है कुर्ग, और ये कर्नाटक में आता है। तो कुर्ग का विलय कर दिया था बेंटिक ने, क्यों, क्योंकि जनता की डिमांड ऐसी थी, जनता ने बोला कि शासक बहुत ही खराब है, अच्छा नहीं है, आप प्लीज कुछ करिए। तो करिए के नाम पर इन्होंने विलय कर दिया। तो मैसूर और कुर्ग दोनों का नाम याद रखिएगा, इसका संबंध, इनके विलय का संबंध विलियम बेंटिक से। जनरल पॉइंट देख लेते हैं एग्जाम की दृष्टि से। तो सर जॉन सोर वो व्यक्ति थे जिन्होंने नॉन इंटरफेरेंस अहस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। किसके संबंध में, मुख्य रूप से हैदराबाद के निजाम के संबंध में, इन्हीं की नीति थी। देखो बताया ना कि अलग अलग लोग आते रहे, अलग अलग अफसर गवर्नर जनरल आते रहे, अपनी अपनी नीति बनाते रहे, उसमें सबकी किसी की कोई नई नीति होती थी, कोई अपने पुराने वालों का ही नीति का ही फॉलो करता था, उसी का पालन करता था। तो जॉन सोर ने हैदराबाद निजाम के संबंध में अहस्तक्षेप की नीति अपना ली थी, लेकिन बाद में अचानक से हड़प लिया इसको। आगे देखते हैं इसमें, तो 1789 में भारत से दासों का एक्सपोर्ट बंद कर दिया गया इलाहाबाद की संधि के बाद। अवध की सुरक्षा का आश्वासन दिया गया था, कब संधि हुई थी, 1765 में, लेकिन इस आश्वासन का पालन नहीं किया गया और 1856 में अवध का विलय कर दिया गया। तो 65 में आश्वासन और उसके 91 साल के बाद 1856 में अवध का विलय। लॉर्ड लिटन का संबंध इंडियन प्राइवी काउंसिल से, 1921 में चैम्बर ऑफ प्रिंस का गठन, 1927 में इंडियन स्टेट्स कमेटी जिसको बटलर समिति बोलते हैं। देखिए हम पूछ दिया था कि बटलर समिति कब, तो 1927। अब आज की अंतिम स्लाइड, जिसको मैं पहले ही बता दिया हूँ, भारतीय संविधान के ऐतिहासिक बैकग्राउंड में बता दिया हूँ, ठीक है, लेकिन अब एक बहुत ही संक्षेप में इसको समराइज कर देता हूँ। 1772 में कंपनी ने लोन के लिए आवेदन किया कि हम डूब रहे हैं, मुझे पैसे दो कुछ अपने पैरों पर फिर से खड़ा होने के लिए। तो इसी समय ये हुआ कि जो ब्रिटिश क्राउन था पहली बार कंपनी के मामलों को अच्छे से देखा कि किस तरह से काम चल रही है, क्यों इसके लोन की जरूरत पड़ रही है, जो कंपनी इतनी कमाऊ हाथी हुआ करती थी अब क्यों कर्जा में डूब रही है। तो इसी के बाद से तमाम नियम कानून बनने शुरू हुए। इसमें एक साल के बाद 1773 का एक्ट आता है, लेकिन इस एक्ट की खामियां ये थी कि गवर्नर जनरल का रोल इसमें सीमित था, उसका रोल स्पष्ट था, लेकिन इसमें अच्छी बातें थी कि इसी में सबसे पहले भारत में सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ। गठन तो हो गया लेकिन उसका रोल भी अस्पष्ट था। उसके बाद इसी एक्ट में सुधार के लिए 11 साल के बाद 1784 में एक एक्ट आया जिसे बोलते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। इसी के अंदर बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई और गवर्नर जनरल की काउंसिल में जो पहले 6 लोग हुआ करते थे उनकी संख्या घटाकर 4 कर दिया गया। 1813 में क्या हुआ कि कंपनी का चाय का व्यापार और चाइना के साथ व्यापार छोड़कर सारे व्यापार उसके बंद कर दिए गए। किन्हीं किन्हीं किताबों में दिया है कि चाय और चीनी नहीं, शुगर नहीं भाई, चीन के साथ व्यापार।
फालतू किताबें ना पढ़ा करें, ऑथेंटिक चीज़ें पढ़ा करिए। 1813 में चाय और चीन के साथ व्यापार छोड़कर कंपनी का सब व्यापार बंद कर दिया गया। एक तरह से कहा गया कि तुम अकेले अब व्यापार नहीं करोगे, बाकी ब्रिटेन में सैकड़ों हजारों कंपनियां हैं, सबको छूट है, जिसको जिसका मन है व्यापार करने का वो भी करेगा, तुम्हारी मोनोपोली अब ख़त्म। ठीक है, मोनोपोली ख़त्म किया मतलब एक 90% तक ख़त्म हो गया समझ लीजिए, जो मोनोपोली इनकी पूरी तरह से बंद हो गया। व्यापार जो पूरा बंद हुआ वो 20 साल के बाद, कब, 1833 में, 1833 में चाय और चीन के साथ भी व्यापार बंद हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। ठीक है, तो 1833 में कंपनी का व्यापार पूरी तरह से बंद हो गया। और 1853 में संसदीय व्यवस्था का नींव पड़ा भारत में। आप सवाल लगाएं, देखिए एक लेक्चर को मैं बहुत लंबा नहीं करता हूँ, बहुत लंबा करूँगा तो फिर किताब पढ़ने और इसमें अंतर क्या रह गया, तब तो किताब ही पढ़िए। ठीक है, इसका ये परपज है कि आप किताब पढ़ रहे हैं और यहाँ जल्दी से उन पॉइंट को समराइज कर लिया, और जहाँ जहाँ लिंक आप नहीं कर पा रहे हैं, जहाँ आपको समय लग रहा है, फट से लिंक कर दिया। ठीक है, तो इसको लंबा नहीं करेंगे, लेकिन आप सवाल भी अगर नहीं लगाएंगे, केवल इसी के बलबूते बैठे रहेंगे तो दिक्कत होगा। पीसीएस कोई एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ नहीं है कि फट से हाँ किताब में फलाने किताब में फलाने नोट से पढ़ लिया और पीसीएस बन गए, ऐसे नहीं होता है। आपको कई मोर्चों पर एक साथ मेहनत करना पड़ेगा। एक मेहनत आपका किताब वाला है, एक मेहनत सवाल लगाने वाला है, एक मेहनत यहाँ पर देख लीजिए, एक मेहनत कहीं किसी गुरुजन से आप पूछ लीजिए, तमाम चीज़ें उसमें हैं। तो इसका अब समुचित लाभ तभी होगा जब आप सवाल लगाएंगे। कम से कम पिछले जो 4-5 सालों के सवाल हैं वो तो लगाओ ही आप, तो वो लगाएंगे तो यहाँ से कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़ा है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं इसके अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।